अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जिया और वेलकम करता हूं आपको यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो केमिकल लेकर आया हूं उसका नाम है बायफेंथ्रीन। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं बायफेंथ्रीन इंसेक्टिसाइड के बारे में। दोस्तों, बायफेंथ्रीन का जो केमिकल ग्रुप है वो पायरेथ्राइड है। ये पायरेथ्राइड ग्रुप से बिलोंग करता है और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो ईसी है। ईसी मीन्स इमल्सीफाइबल कंसेंट्रेट, और इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो 10% है। दोस्तों, अगर इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन देता है। मींस कि ये सिस्टमिक नहीं, बल्कि कोई भी इंसेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा या कोई इंसेक्ट जो स्प्रेड प्लांट्स या उसका लीव होता है उसको खा लेता है तो देन ये उसको किल करता है। और जब ये इंसेक्ट के अंदर जब इंसेक्ट इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इसकी अगर की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो काफ़ी सारी की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मींस ये बहुत सारी इंसेक्ट की स्पीशी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप डिफरेंट क्रॉप्स हैं उसमें उसके ऊपर काफ़ी पेस्ट का अटैक है, काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, तो आप बायफेंथ्रीन यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी सारे इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करेगा। दूसरा ये कि ये इसका जो इफेक्ट है वो नॉकडाउन होता है। मतलब आपने यहाँ स्प्रे किया और आपको ऑन द स्पॉट आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये चीविंग प्लस सकिंग, तो दोनों तरह के इंसेक्ट पेस्ट पे इसका जो है असर है, काफ़ी इफेक्टिव है। मतलब कि ये दोनों तरह के इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करता है, चीविंग प्लस सकिंग। तो अगर किसी चीविंग पेस्ट का प्रॉब्लम हो या सकिंग का, तो ये दोनों तरह के इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करेगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्रॉप्स की कि कौन कौन सी क्रॉप्स के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे फेमस क्रॉप्स हैं कॉटन, मैंगो, एप्पल, सिट्रस, और जो हमारी धान की क्रॉप्स होती हैं इसके अलावा ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे काफ़ी सारे पेस्ट का प्रॉब्लम आता है, तो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आ जाते हैं, आप बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की। तो काफ़ी लंबी लिस्ट है जो इंसेक्ट पेस्ट की जिनको बायफेंथ्रीन कंट्रोल करता है। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर सकिंग पेस्ट की बात करें तो जैसे वाइट फ्लाई, माइट्स और मैंगो होपर, और अगर हम चीविंग पेस्ट की बात करें तो स्पॉटेड बॉल वॉर्म, पिंक बॉल वॉर्म और दूसरे पेस्ट भी शामिल हैं जैसा कि लीफ माइनर वगैरह। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके डोजेज की कि कितना डोज हमने यूज़ करना है। दोस्तों, अगर कॉटन क्रॉप्स की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसेट, वाइट फ्लाई, स्पॉटेड बॉल वॉर्म और पिंक बॉल वॉर्म, इन इंसेक्ट पेस्ट का काफ़ी जो है प्रॉब्लम आता है कॉटन क्रॉप्स पे। तो उसमें आपने बायफेंथ्रीन के 250 ml एक एकड़ पे यूज़ करने, मतलब कि 250 ml को आपने एक लीटर में डिजोल्व करना है और वो आपने उसका स्प्रे करना है। दोस्तों, इसके अलावा मैंगो की बात करें, मैंगो होपर्स पे 80 ml पर 100 L ऑफ वाटर, और माइट्स और लीफ माइनर के लिए इसके आपने जो है 0.5 ml को 1 L में डिजोल्व करके स्प्रे करना है। तो ये इसका डोजेज का तरीका है। इसके अलावा दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए जो सबसे अच्छा टाइम है वो मॉर्निंग का टाइम होता है। उस वक्त जो है इंसेक्ट की जो पॉपुलेशन है वो जो है क्रॉप्स के बाहर होती है। तो उसमें ये होता है कि हम जब भी स्प्रे करते हैं तो मोस्टली पेस्ट जो है वो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाता है, वो इसको किल कर देता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो बायफेंथ्रीन इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।